दो आए हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था बीच में कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में कोई तो गई दो। एक और आना है ना आज पता नहीं है। मैं नहीं मैं <laughs> मैं होती तो मैं बात ही नहीं करती ना उस बारे में बिल्कुल भी तभी तो नहीं कर रही एल्विश बिग बॉस गया था तो हमने सबने मिल के एक जो सपोर्ट देना था ना वो सपोर्ट हमने माँ भी दिया है सोचा था कि जब मेरे बाद में मिलेगा कभी तो मैं मिल लूंगी आराम से बात करूंगी कि ठीक है कैसा है कैसा नहीं है

उसके हिसाब से पैसा लूंगी अगर मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं उस हिसाब से पैसा लूंगी अभी मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज है तो उसका जो अमाउंट है वो यूट्यूब से आई थिंक डबल ही है डबल या स्टोरी बिहाइंड देसी बॉयफ्रेंड वर्सेस सिटी बॉयफ्रेंड <laughs> <laughs> सिटी बॉयफ्रेंड ही बैठ के कुछ इस आ... आप बाहर के रखते थे आप अपने में ही लड़ाई करो हनी मनीष अवनीश बढ़िया स्टोरी लगती है ना वो पागल सी वाली लगती है ये तो पागल, तो, पागल सी जो ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़े में हमने बोल दिया था पागल सी ये पागल सी लेके आओ वीडियो में आ, ये बढ़िया लग रहा है तो वो तो थोड़े डाउटफुल थे हमके बोले या ना बोले पर इसने बोला नहीं बोलो 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 मैं उस टाइम बिल्कुल हो गया था मैंने कहा बिल्कुल तो भाई है तो जय श्री राम सभी को शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है आज जो हमारे साथ में हमारी गेस्ट बैठी है ना इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है <laughs> क्योंकि ये हर बार ये बोलते हैं मेरी और तारीफ करो और तारीफ करो तो ना इधर उधर करते हुए मैं आप सबको मिलवाता हूँ कीर्ति मेहरा से हेलो गाइस वेलकम बैक टू हनी शर्मा चैनल शर्मा जी की बैठक <laughs> कैसी है मैं बहुत मैं बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास यार <laughs> क्या है सो <laughs> गुड so <good>, क्या है अभी <laughs> okay, यहीं पे थी मैं यहीं पे थी मैं सुबह से यहीं पे थी पहले अपनी जो नई जनता है उनको अपने बारे में एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दे कैसी है कौन है क्या है सब कुछ आई नो सब जानते हैं लेकिन फिर भी बता दे सो so, गाइज मैं, <laughs> मैं YouTube पे वीडियोस बनाती हूँ और मैं Instagram पे रील्स भी बनाती हूँ मैं अपना खुद का बिजनेस भी रन करती हूँ और मैं हनी शर्मा की बहुत अच्छी दोस्त और बहन भी हूँ हाँ <laughs> बहुत सारे बंदे कुछ कुछ बोलते हैं तो अभी जैसे की बात यार, अभी अभी all, नया सैलॉन खोला है सैलून खोलने का और कहा से इंस्पायर आइडिया आया क्या किया मतलब हर एक चीज को ऐसे सैलोन खोलने का कुछ वो था नहीं क्योंकि मैं ब्यूटी इंडस्ट्री से थोड़ी बोल रहा हूँ मैंने भी कुछ से. दिन पहले भी वीडियो वगैरह देखी थी कि भाई ये इसके बारे में ज्यादा प्रमोट भी नहीं करती मैं बोलती हूँ केमिकल्स वगैरह से दूर रहो मेरा जो मेन फर्स्ट टारगेट था वो था अपना खुद का ब्रांड या फिर कैफे और मैं सिर्फ खोलने के उसमें लास्ट होता है ना कुछ चीजें बची हैं वो करने वाली थी कि मेरे सामने ये सलों की ऐसे अपॉर्चुनिटी आ गई फिर मैंने पूरा स्टडी वगैरह किया फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मत करो तो सब लोग मानते तो है नहीं तो मैं बताती हूँ कि अच्छे से कैसे करो <laughs> तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने इसको ग्रैप कर लिया सलों खोला अब एटलीस्ट मेरे सलों में मैं श्योरिटी से चीजें देख सकती हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो या गलत प्रोडक्ट्स ना लग रहे हो किसी की स्किन खराब ना हो क्योंकि मेरे को सब यही कहते हैं आपकी स्किन ऐसे साफ कैसे है आपकी स्किन ये कैसे आप मेकअप क्यों नहीं करते हो या करते हो तो क्या करते हो तो अब आपको वो सब मेरे सलों पे आके पता चल जाएगा हर जगह से ब्रांडिंग <laughs> आइडिया तो आया इसमें अगर किसी यूथ को जो आने वाला युद्ध है उसको अगर खोलना हो तो उसको क्या एडवाइस देगी कि चीज करो और चीज मत करो तो मैं सबसे से पहले बताऊंगी कि मेरे को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं थी तो मैंने खुद पहले सारी चीजें सीखी हैं एनालाइज करी है कि क्या कैसे होता है कैसे किसको क्या पागल बनाया जाता है या कहा मार्केट में क्या ऐसे घपलेबाजिया हो रही हैं लड़कियों की लड़कों की स्किन के साथ या बालों में या कुछ भी तो पहले सब चीजों की नॉलेज ले लो क्योंकि अगर आप आके कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसके बाद ही आप किसी दूसरे को बता पाओगे तो अगर ऐसा कुछ स्टार्ट करना है तो आप थोड़ा नॉलेज लो वरना मेरे सलाह में आओ <laughs> और मैंने अपने कोर्सेज भी मतलब अभी मैंने कोर्सेज वाला सिस्टम भी चालू किया है अच्छा कि आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो सीखने के लिए कि हेयर ड्रेसिंग कैसे होती है बालों की स्टाइलिंग कलर वगैरह ये सब चीजें अच्छी खुद भी कर सके हाँ कि वो खुद भी सीख सके तो अगर आप खोलना चाहते हो तो सबसे पहले आप कहीं से सीख लो और अगर आप मेरे यहाँ से सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है ब्लॉगिंग करती है डेली बेसिस पे नहीं करती ऐसा क्या फेस था जो तूने ब्लॉगिंग स्टार्ट की कोई ऐसा क्रिएटर जिसको देख के डेली बेसिस देख के इंस्पायर होके तूने सीखा या इंस्पायर तो नहीं हुई किसी से मतलब मैंने पहले तू देखा तो है तूने पहले चैलेंज वीडियोस थी बी hmm. टी आते थे hmm. जैसे यूट्यूब होती थी, थी उनके बिहाइंड द सीन्स और क्यू ए कर लिया चैलेंजेस कर लिए फनी चीजें कुछ भी कर ली फिर मेरे को सारे आसपास जितने भी लड़के थे वो व्लॉगिंग कर रहे थे hmm. पर मैंने फीमेल यूट्यूबर्स बहुत कम देखी थी व्लॉगिंग में hmm. तो मैंने सोचा मैं भी करने की कोशिश करती हूँ और व्लॉगिंग में मैं कभी भी ना अपना हाथ ऐसे स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं पाई जब तक मनीष की शादी नहीं हुई और इसने मुझे समझाया नहीं उससे पहले मेरा व्लॉगिंग में ऐसा था कि चलो डाल दिया डाल दिया नहीं डाला कोई बात नहीं तो फिर इसने मुझे समझाया कि भाई व्लॉगिंग जो है है अब करी तो फिर सही से कर उसको मैं ही नहीं कर पाया बस फिर <laughs> <laughs> मैंने सारा <laughs> इसे दिया। मैं दे <laughs> <laughs> क्योंकि मैंने देखा था कि कि मैं मैंने सोचा था मैं शादी के जितने ब्लॉग है ना वहां से आने के बाद डालूंगी पर ये सब लोग साथ साथ एडिट कर रहे हैं साथ साथ अपलोड कर रहे हैं फिर बहुत ज्यादा हसल भी तो थी ना हाँ। कि एक ने बना दिया और सेम सेम से, हाँ। से हर एक एक दूसरे के ब्लॉग में हाँ। आ रहा है तो सब ये चाह रहे थे कि या तो एक साथ आ जाए या जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए उस टाइम व्यूज और डिफिकल्ट टास्क ये भी था कि एक ही जगह पे हमको अलग अलग कंटेंट दिखाना है क्योंकि सब लोगों का सेम तो नहीं हो सकता तो जब ये रिकॉर्ड कर रहा है तो मैं बंद कर लूँ या मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बंद कर ले सब सब ये तो ये हम सब साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है पर फिर इसने मुझे रूम में समझाया कि देख कीर्ति कर रही है तो ढंग से कर बाद में क्या अपलोड कर लेगी ऑडियंस को अभी पता है ना कि तू अभी आए, तो अभी तो डाल उसको बस एक वो दिन था एक आज का दिन अब तू बैक टू तो बैक हाँ, करती है यार बहुत सारे बंदे ना एक क्वेश्चन मतलब बहुत हम पांच बंदे साथ थे और ऐसा क्या हुआ

जैसे उसका अपना काम चालू हो गया फिर एक ही चैनल पे सब लोग साथ में काम कर रहे थे फिर हनी का भी चैनल था मनीष का भी चैनल था अवनीश का भी चैनल था मैं अपने चैनल पे इतना ध्यान नहीं देती थी उस टाइम पे मैंने टू थाउजेंड ट्वेंटी देना चालू किया है ध्यान चैनल पे जब पापा की डेथ हुई थी उसके बाद वरना टू में चैनल बनाया था और छह महीने में तीन महीने में एक एक वीडियो आती थी तो ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी पर वो था कि सबको अपना चैनल भी ग्रो करना था अपना नाम भी सबको बनाना ही है तो उसको अपने चैनल पे काम करना होता था मनीष को अपने चैनल पे अवनीश को अपने चैनल पे तो सब लोग अपने अपने चैनल पे पे काम काम करते थे मैं वहाँ पे काम करती थी बट बाद में मेरे को भी अपने चैनल पे ध्यान देना पड़ा बट लोग ये सोचते हैं ना कि यार ये तो अलग वैसे हो गए हम पीछे से बात करते थे सब को हम ये खुल के नहीं बता सब सकते सब कुछ पता होता है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है किसकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है किसकी लाइफ में क्या बुरा हुआ है

कि जैसे होता है ना कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि यार ये बोले या ना बोले हम लोग कुछ भी बोलते हैं एक दूसरे के सामने कुछ भी अब जैसे हनी को ब्लॉग बनाना है मुझे बनाना है तो हम मुँह पे बोलते हैं ऐसे नहीं कि कुछ गेम प्लानिंग करें प्लॉटिंग करें ब्लॉग बनाना है चुपचापादा आज का कंटेंट हमारा क्या है है ये, ये, ये इस बारे में बात कर अभी हम जैसे शूट कर रहे हैं तो मैंने इसे बोला इसके बाद मुझे व्लॉग बनाना है अपना तो क्या हाँ बना लेंगे बना लेंगे तो डायरेक्ट है इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि कुछ भी बोलते हुए या कुछ भी करते हुए वो ना हो एक ऑकवर्डनेस ना हो और मैं तो चाहती हूँ कि अवनीश अन्नी मनीष सब सब लोग आगे बढ़े और एक को वो बुलंदियों पे वो तो है ही बुलंदियों पे <laughs> मतलब बेसिकली यार कुछ पीछे से कुछ ऐसा नहीं हुआ हुआ इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए हम बस यही बताते हैं कि भाई हम पीछे से दोस्त हैं जितना हो सकता है आप सबने देखा होगा एल बिग बॉस गया था तो हमने सबने मिल के एक जो सपोर्ट देना था ना वो सपोर्ट हमने माँ भी दिया है तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि सेपरेट सेपरेट होना मतलब लाइक बिल्कुल ही अलग हो जाना जो मेन वर्ड होता है ना यही है कि भाई सेपरेट हो गए अब ये कभी लाइफ में नहीं मिलेंगे और इस तरीके से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइफ का ऐसा इंसिडेंट बताया जिसने सब कुछ बदल दिया हो कि ऐसा भी मन किया हो कि यार सब कुछ छोड़ देती हूँ यार यूट्यूब छोड़ देती हूँ या कुछ भी रिलेशनशिप में फैमिली में कुछ भी ऐसा हो देखो इसे सब कुछ पता है ये आप लोगों के लिए मुझसे दोबारा पूछ रहा है सब कुछ ऑब्वियसली मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये मैं सब चीज़ों में स्टोरी बता चुकी हूँ पर सबको लगता है कि यार सेम स्टोरी बार बार सुनाती रहती है इमोशनल हो जाती है ये होती है वो होती है पर वही है तो मैं वही बताऊंगी मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी ना कि नहीं यार दो में ये हुआ था और दो में ही हुआ था टू में ले थोड़ा ऐसे ड्रास्टिक चेंज था वो साल जहाँ पे पापा की भी डेथ हुई और ये रिलेशनशिप वगैरह सारी चीज़ें चली तो वो जो था वो एकदम ऐसा था कि मतलब नहीं होना चाहिए था और उसी हो सकता है कि 2021 ने ही मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं आज अकेले खड़े होके भी काम कर सकती हूँ या मैं खुद के दम पे भी चीज़ें कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अपनी क्या कहते हैं उसको पोटेंशियल का पता ही नहीं था कि मैं खुद से भी कुछ कर सकती हूँ या मैं खुद के पे भी ध्यान दे सकती हूँ उससे पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देती थी तुम देखते हैं ऐसे ही घूमती रहती थी इधर उधर अपने बाल वाले से करके पर उसके बाद मैंने खुद से ध्यान देना चालू किया पर हाँ 2021 में मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी यूट्यूब छोड़ दूंगी क्योंकि खुद ही खुश नहीं हो तो कैमरे पे आके क्या खुशी दिखाओ किसी को के नहीं नहीं हम तो बहुत खुश हैं पर फिर एकदम सडन रियलाइजेशन हुई कि घर की बड़ी मैं हूँ सब कुछ मुझे ही संभालना है और पापा भी खुश नहीं होंगे कि मैं ऐसे काम वाम सब छोड़ दू जॉब हमने करनी नहीं है नौकरी हमसे होगी नहीं किसी की तो वहां पे एकदम एक या दो महीने का गैप लेके मैंने वापस इस चालू करी और तब से मैं काफी ज़्यादा भी हो गई मतलब पापा के जाने के बाद तो यार ऑब्वियसली मैं खुद ही ये चीज सब रिलेट करता हूँ चीज... एक चीज बताती हूँ मैं हाँ। तेरे सामने बोलूंगी मैंने किसी के सामने नहीं बोली और इसके लिए मैं थोड़ी सी गिल्टी भी हूँ जब हनी के पापा की डेथ हुई थी तब मैं नहीं आ पाई थी आई नहीं थी मैं क्योंकि हमारे थोड़े पंजाबी में ना वैसा होता है कि चालीस दिन तक जाते नहीं है लड़कियां पर मैं चालीस दिन या मैंने सोचा था मैं तेरह दिन के बाद आ जाऊँ या मैं फोर्थ डे पे आ जाऊँ मम्मी ने भी बोल दिया था चली जा पर कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं जा ही नहीं पाई पर जब और मैंने सोचा था कि जब मेरे से बाद में मिलेगा कभी तो मैं मिल लूंगी आराम से बात करूंगी कि ठीक है कैसा है कैसा नहीं है पर जब मेरे पापा की डेथ हुई मुझे पता भी नहीं था होश भी नहीं था मैं कहा हूँ सुबह हुई थी और रात को ये बंदा मेरे घर पे था तो मेरे को इस चीज से ना ये समझ आया कि जब आप पे बीतती है ना तब आपको वो चीज समझ आती है जब तेरे साथ हुआ था तो मेरे साथ वो चीज नहीं बीती हुई थी तो मेरे को उसकी ना इंटेंसिटी नहीं पता थी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा गिलती हूँ आई एम सॉरी अरे कोई नहीं मेरे को पर जब मेरे साथ हुआ और इसको उस चीज का पेन पता था तो ये उसी रात मेरे घर पे था वहां पे और मैं आ, ये पहली बार मैं इसके सामने बोल रही हूँ वरना पीठ पीछे मैं सबके सामने बोल चुकी हूँ तो आपको किसी चीज का ना पेन तब पता चलता है जब आपके साथ वो बीती हो आप कितना ही कह लो कि नहीं नहीं हम समझते हम समझते नहीं समझते भाई नहीं समझते, नहीं समझते। हाँ समझते। नहीं समझ आएगा मैं एक चीज तेरे लिए बोलता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है भाई दोस्ती बहुत मैटर करती है लाइफ में और लोग बोलते हैं कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है बट सीरियसली अगर मैं बोलू ना दिल से कि बेस्ट फ्रेंड हमेशा एक ही होता है हर एक बंदे का सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड होगा जिससे आप दिल खोल के हर एक तरीके की बातें कर सकते हो जब ये बोलते हैं ना कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड का नहीं झूठी है दोस्त आपके बहुत सारे होंगे किसी के लिए आप गलत नहीं सोच रहे पर बेस्ट फ्रेंड एक ही होगा तेरे उसमें मेरे को तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरा भाई लगता है कि यार जिस तरीके की तेरी बॉन्ड है जिस तरीके से तू तो वो ये है कि इसका भाई इसका बेस्ट फ्रेंड है सपोर्टिव है और कुछ बोलने से पहले है ना तेरे को सोचना नहीं पड़ता कि सामने वाला है ना एग्जैक्ट खड़ा ही रहेगा और लाइफ लॉन्ग खड़ा रहेगा वो मतलब मेरे भाई के साथ मेरा बॉन्ड ऐसा है की आप जो चीज सोचोगे ना कि यार ये, लड़के के सामने ना ये बात नहीं, हाँ, नहीं। हूँ तो <laughs> खाली बैठा ना घर पे वो फोन मिलाएगा और ऐसे कहेगा की हाँ भाई क्या चल रहा है बोर हो रहा हूँ क्या करू मैं क्या करू मतलब इतना स्ट्रांग बॉन्ड है और जहाँ तक रही बेस्ट फ्रेंड की बात मैंने स्कूल टाइम से

अंदर छल कपट है या कुछ भी चीजें हैं तो ना है? है जो अच्छा दोस्त होगा मतलब गलत दोस्त हुँ। हुँ। हो मैं बुरा नहीं बोल रहा कैसे भी नहीं बोल रहा पर अगर गलत दोस्त हो ना वो आपको इतना बर्बाद कर देगा क्योंकि उसकी इंटेंशन सिर्फ एक ही रहती है कि यार मैं इससे कुछ निकलवा लूं इसको जो चीज इसे चाहिए वो उसे ना मिले तो वो बहुत कम है आज के टाइम में कुछ कुछ मतलब दुख ये कुछ कुछ चीजें ऐसे कर देते हैं तो मेरे को बेस्ट फ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट समझ आता नहीं कॉलेज के स्कूल के बाद से क्योंकि यार जिस टाइम पे जरूरत थी तब कौन था घर वाले ही थे जब सबसे टफ टाइम आया तो भाई था मम्मी थी हम ही आपस थे। में थे तो मेरे को लगता है उन्हीं को बेस्ट फ्रेंड बना लो बनाना ही है किसी को तो और किसी भी रिश्ते में ऐसे दोस्ती आ रही में टैग दे देना मेरे को लगता है है कि समझ नहीं आ रहा है। एक टैग है ना तो अब वो निभाना पड़ेगा हाँ। दोस्ती जो है वो बिना एफर्ट्स के बिना फोर्सफुली स्मूथली चलती रहती है हम लोग बैठे हैं यहीं पे बैठे हैं आराम सामने आपके ऐसा नहीं है कि कुछ करना पड़े अगर पंद्रह बीस दिन भी बात नहीं हुई ना तो इक्कीसवे दिन ऐसे ही मिलेंगे हाँ ऐसे ही है हमारी ऐसा हुआ मैं बोल रहा हूँ पिछले डेढ़ साल से हम चट चैट कर रहे हैं उससे पहले हम छह साल से जानते हैं हाँ। पिछले जो बचे हुए साढ़े चार साल है ना वो साढ़े चार साल हमने बात ही नहीं की हाँ, बट जब हमने बात हो गई।, की, हो गई नहीं हो गई, नहीं हो गई नहीं जब गई, हमने बात की जब नॉर्मल अच्छी तरीके से बात की और यही मैं अगर बोल दू

यार ये बीच में पता नहीं कहाँ से किसने वो उमर्स फैलाए और मेरे तो जारी है ना तो? नहीं अभी नहीं मतलब हाँ बात चल रही थी मेरी और वो एक लेवल होता है ना जो वहाँ तक पहुँच भी गई थी पर उसके बाद कुछ कंफर्मेशन आई भी नहीं और कुछ एक होता है वो स्टैम्प लग जाना कि अब ये डन हो चुका है वैसा वाला सीन नहीं हुआ बट हाँ इन कॉन्वर्जेशन सब कुछ था ओ में भी था और ये सेवेन्टीन में भी था पर वो अभी नहीं हुआ होगा तो फिर। OTT टू। OTT टू। हाँ, तो ओटीटी ओटीटी सेकंड में भी था। हाँ। 17 में वन मतलब तो तो अच्छा। हाँ, तो बनता है, दूसरा हमारी कम्युनिटी के भी काफी लोग है पे। मुनावर भी मेरे को अच्छा लग रहा है मतलब उसका ना गेम बहुत बहुत उसके पास कंटेंट है देने के लिए उसके पास शायरी कॉमेडी है उसके पास लड़ाई झगड़े वो भी कर नहीं रहा है

बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री में कोई हो तो गई दो तो। एक और आना है ना अब पता नहीं यार मैं नहीं हुआ है। <laughs> मैं होती तो मैं बात ही नहीं करती ना उस बारे में बिल्कुल भी तभी तो नहीं कर रही <laughs> बात नहीं में में को लगता है अभिषेक जीत सकता है मुनावर जीत सकता है और यूके राइडर पर यूके राइडर ना मेरे को लगता है कि थोड़े यार वो बहुत ज्यादा ट्रॉल हो रहा है इन दिनों क्योंकि वो अभी गेम में इंट्रोवर्ट है वो खुल के सामने नहीं आया तो सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग पे चालू हो गए हैं मतलब मेरे को लगता है वो अपना टाइम ले रहा है गेम में आने का या खुलने का तो उनको थोड़ा टाइम दो ऐसे ट्रोलिंग वगैरह तो मत करो आ, पेपर तो बहुत बड़ा लिख के लाया तो <laughs> <laughs> पेपर्स में तो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं अभी बस... तो कर चल कर बोल सब लोग जानना चाहते हैं कीर्ति मेहरा कि आप सिंगल हो या फिर कमिटेड हो या फिर अपने काम से कमिटेड हो मैंने इधर को आंसर दे दिया ना यही बोल रही हूँ सॉरी बैठा ये बता गाइस मैं सिंगल हूँ ऑब्वियसली और अभी मैं अपने सिर्फ काम से कमिटेड <laughs> <दे दिया। laughs> मैं सिर्फ अभी काम पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम मैंने निकाल दिया अपने काम पे फोकस ना करके और हो गया थोड़ा ना <laughs> हो गया हो गया हो गया आप ज्यादा एलेबरेट नहीं करेगी तू तो. <laughs> ये जो सैलून खोला है इसके बाद भी कुछ सोचा हुआ है कि hmm. क्या करना है दो महीने रुक जा तू मतलब ऑब्वियसली जो ब्रांड का सोचा हुआ था हुँ. वो तो काफी टाइम से सोचा हुआ है काफी टाइम से पहले मैंने सोचा था इसी साल ब्रांड निकाल दूंगी इसी साल पर अब ये आ, एथनिक वही चलता है मेरा ओके

पैसों से रिलेटेड और जो भी यार हम वैसे साथ नहीं।, नहीं कोई नहीं कोई किसी तरीके की नहीं जो डायरेक्ट डिजिट बताना चाहते डिजिट नहीं, बता नहीं, नहीं, नहीं क्यों बताना चाहती है अच्छा, <laughs> क्या बदलाव आया है 10000 फॉलोवर से लेके 1 मिलियन फॉलोवर में यार 10000 मतलब हमें पता है 10000 से 1 मिलियन का वो जर्नी क्या रहती है हम लोगों को वैल्यू है वो दस दस हजार की एक एक लाख की पर सामने वाले के लिए तो ऐसे होता है ऐसे मिल गया ऐसे मिल गया पर ऐसे नहीं मिलता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है जब दस हजार फॉलोअर्स थे तब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी क्या ब्रांड कोलेब्रेशन क्या होता है या फिर पैसा कैसे कमा सकते हैं या फिर इंस्टा का नहीं पता था यूट्यूब पे तो मेरे को धीरे धीरे पता चलना चालू हो गया था इंस्टा का नहीं पता था और इंस्टा पे मोनिटाइजेशन के फॉर्म भरना है या क्या करना है ये सब धीरे धीरे पता चली चीजें तो जब दस हजार फॉलोअर्स थे उस टाइम पे हमारे टाइम पे तो वो भी टाइम पे तो दस हजार हमारे लिए सोचते थे सौ लाइक आ जाए उस टाइम पे ऐसा होता था लाइक्स वगैरह एक एक चीज पे ध्यान देना कि कमेंट क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे ब्रांड कोलैबोरेशन तो पता ही नहीं था पर जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते गए आप काम करोगे तो फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे सब कुछ बढ़ेगा तब ब्रांड कोलैबोरेशन आनी चालू हुई फिर मुझे समझ आया कि ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा कैसे कमाना है या फिर एजेंसी कट क्या होता है और वो होता क्यों है मतलब क्यों दो मैं किसी को भी अपना तीस परसेंट बीस परसेंट कमाई जो है वो मतलब है बढ़िया अपना गुजारा मैं कर रही हूँ बढ़िया हो रहा है गाड़ी का पेट्रोल निकल रहा है कितने डिप्लोमा <laughs> ये आ, पूछने की चीज है चल <laughs> ये बता कि YouTube पे ज्यादा पैसा है इन टर्म ऑफ यू कि भाई YouTube पे मैं कितने पाँच छ सौ के है अराउंड ना छ सौ के सिक्स हंड्रेड छ लाख में और एक मिलियन में दस लाख में YouTube पे ज्यादा पैसा है या इंस्टाग्राम पे इनकम मेरे को लगता है कि व्यूज के हिसाब से होता है अगर मेरे यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से पैसा लूंगी अगर मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो मैं उस हिसाब से पैसा लूंगी अभी मेरे इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज है तो उसका जो अमाउंट है वो यूट्यूब से आई थिंक डबल ही है डबल हाँ हाँ तू टेन कर दे तू <laughs> चले मतलब डबल है डबल से थोड़ा सा ऊपर है तो मतलब इंस्टाग्राम पे जो इसने बोला कि आप कम टाइम में भी अच्छे फॉलोअर गेन कर सकते हो तो करो पिछले दो तीन महीने पहले हेट मिल रही थी बहुत ज़्यादा हाँ। इंस्टाग्राम पे उसके बारे में मत करेगी अगर कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल तो मैं सब चीजों में हूँ हाँ तो उसके बारे में बता कि हेट मिल रही थी किस तरीके से तू ओवरकम हुई और किस तरीके से तूने उसको डील किया यार इंस्टाग्राम पे ना मैंने पहले तो मेरे को हेट वेट का वो पता नहीं एकदम नाजुक सी बच्ची थी मैं कि हेट क्या होता है कभी मिली नहीं ऐसे फिर ये बिग बॉस वगैरह आया अब हमारा यार हमारा तो वो था एक फर्ज था सपोर्ट करना चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो तो हमने किया सब नहीं किया पर मेरे को लगता है कि सब चीजें छोड़ के ना सबका टारगेट एक मैं थी कि तू क्यों तो मैंने वो कुछ इतना ज्यादा किया भी नहीं और कुछ लोग होते हैं जैसे अगर मैं अपने व्यूज बता रही हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यूज थोपना चाहेंगे मैं किसी पे अपने व्यूज थोप नहीं रही हूँ आप मेरे से अगर पूछ रहे हो तो मैं आपको अपने बता रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात मानो या यही सही है मैं गलत भी हो सकती हूँ पर अगर आपको आपको ऐसा वाइब आ रही है कि नहीं भाई यही सही है यही बात मानो तो वो आप नेगेटिवली ले रहे हो और वो आप फिर इतना नेगेटिवली ले रहे हो कि आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी और ऐसा हो गया था हेट का कि लड़कियां भी आके बोल रही हैं यार लड़कियां तो नहीं लड़कियां फीमेल ऑडियंस मेरी खुद की बहुत स्ट्रोंग है बहुत प्यार करते हैं पर होता है ना कि अब किसने किस तरीके से लिया वो नहीं लिया सीधा गए और वो

ये दो नोटिफिकेशन में ऑन रखती थी तो मैं एक एक कमेंट दिमाग कर रही डिलीट कर रही, हूं, डिलीट कर रही हूं। जैसे ही वो नोटिफिकेशन है वो मेरे को भी तब पता चला जब इतने सारे करे मैंने तो इंस्टाग्राम ने मेरे को वही मैं क्या करूं जब वो दे दिया, एक नोटिस आ जाए फिर मैं एक घंटे बाद दोबारा ट्राई करूट डिलीट कर अच्छा? डिलीट डिलीट

जिनके मैसेज अलाव करे हुए के के कर हाँ। बंद करे मैंने कहा लिखो भाई तुमको अगर आके लिख के शांति मिल रही है तुम फिर ये सोचना मेक श्योर करना कि अगर आपने ये कमेंट किया ना तुम्हारा मन शांत हो गया हो तुम्हें तसल्ली मिल गई हो क्योंकि मेरे को तो अफेक्ट नहीं हो रहा पर तसली भी नहीं मिली होगी अगर <laughs> किसी के जाके हेट कमेंट कर रहे हो तो अपना ना खुद से दिमाग से मन से मेरे को एक चीज़ और हुई जब आप किसी लेवल पे जाते हो मेरे, शायद मेरे में वो चीज की कमी थी जो मैं बोलती थी कि हेट फेस नहीं किया मैंने कभी हेट फेस नहीं किया वो शायद इसीलिए शायद मैंने कभी इतना ग्रो भी नहीं किया हाँ। तो जब आप ग्रो करते हो आपके पास automatically आती आती है 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 पर आपको ध्यान जो जो वो वो पे देना चाहिए क्योंकि हमारी ऐसी ऐसी कि एक ऐसे बना के रखेंगे कि आ, भी ऐसी है। है। अगर आप कुछ अच्छा करोगे ना तो बंदे वो ढलते चले जाएंगे यार ये हाँ। अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ही कर रही है अब सेम टाइम पे थोड़े टाइम की होती है वो वेव आती है और जो पुराने लोग जानते हैं ना इतने टाइम से

अभी रिसेंटली मेरी आ, मैंने कोई रील देखी थी जिसमें तो आई थिंक खाटू शाम गई हुई थी और वहाँ पे एक लड़की मिलने आई दो लड़कियां मिलने आई थी एक्चुअली और वो एक बिल्कुल रो रही थी तर, आ, हाँ मैंने देखा मैंने कहा यार ये एक्चुअली मैं वो ऐसा ही होना चाहिए और हम ऐसे ही है यार मतलब मेरे को ऐसे आप सामने दिख गई हूँ मैं हुँ। और यार बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है हनी के मेरे को सामने शाहिद कपूर दिख गया और मैं भक्ति भी जाऊंगी यार मैं आपकी फैन हूँ मैं मैं नहीं जा पाऊंगी नहीं जा पाएंगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे में वो चीज आ जाती है जा हम भी तो है हम भी तो है हम भी तो है तो ये चीज ना इन लोगों में नहीं है ये खुले दिल से आते हैं और फिर इनको बोला जाए फोटो नहीं खिंचवानी मेरे को या बाद में आना या दस मिनट बाद मिलना अब मेरे सलों पे भी लोग आते हैं ना गुड़गांव से आए या फरीदाबाद से इतनी दूर से भी आए मैं टाइम देती हूँ उनको बैठा के बैठो आराम से देखो सलों जो कराना कराओ नहीं कराना मत कराओ टाइम देती हूँ कि यही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो इतना प्यार दे रहे हैं वो इन रिटर्न उन्हें क्या चाहिए रिस्पेक्ट hmm. वो तो दे सकते हैं डू यू बिलीव इन कर्मा मतलब ऐसा मेरे को कर्मा के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है hmm. पर हाँ मुझे लगता है कि आप जो भी करते हो hmm. या आप किसी के लिए भी अन या इंटेंशनली कुछ बुरा सोच रहे हो तो वो आपका ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी, किसी तरीके से निकलेगा ही निकलेगा हम्म चाहे इस चीज में ना सही उस चीज में उसमें ना सही दूसरी में वो निकलता जरूर है क्योंकि अगर मन में कुछ आपके किसी के लिए मैल है या फिर कुछ हेट्रेड है या कुछ नेगेटिव है यार उसका ना ये चीज नहीं होनी चाहिए तो आपका भी कभी भला नहीं होएगा कभी आपको दूसरों की खुशी से खुश होना चाहिए मतलब तुम खुद करते रहो हां काम जरूर कही कहीं ना कहीं कामयाब होगे rather than किसी और को या किसी और का पैर पकड़ के खींचो या कुछ भी गलत करो तो वो कर्मा अ, मतलब करती है, तो है अभी हंसराज कॉलेज में गई चलो उस पे बाद में आते हैं पहले एक बात बता कि हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी परसेंट चाहिए यार अबव 80 तो उस टाइम पे चाहिए ही होती थी मतलब अबव 80 से ज्यादा चाहिए 99 पे भी नहीं मिलता अब तो मैं जब गया था तो 95% से ऊपर था चार या पांच सब्जेक्ट के कुछ रहते हैं उनके टॉप में और उसमें जैसे फिर चार पांच तीन पांच हाँ मतलब नहीं यार ऐसा नहीं है चार कितनी आई थी तेरी परसेंटेज टॉप फाइव में अगर देखा जाए मेरा हो, मेरा हो गया था आ, कौन सा कॉलेज है वो मेरे को एग्जैक्ट कॉलेज कॉलेज का नाम नहीं याद पता अरे भाई मेरी 85 परसेंट थी पांच सब्जेक्ट मिला पांच सब्जेक्ट में एट्टी थी बीए में कर रहा था हो गया था बट

95? मैं थी ना तो हिंदी भी पढ़ी भाई ये तो हिंदी तो हंसराज कॉलेज हाँ मैं इसी पे आ रहा हूँ कि हंसराज कॉलेज में तू रिसेंटली स्टेज पे गई है इससे पहले दो तीन साल पहले तू स्टेज के नीचे खड़े होके सारी चीज देखती थी स्टेज पे कौन आके मोटिवेट कर रहा है और तेरा खुद ऐसा चांस बन गया कि तू खुद माँ जाके मोटिवेट करने गई है कैसी फील थी वो मतलब मैं आज तक काफी सारे कॉलेजेस में गई काफी सारे वहां पे ना मैं कभी मेरे हाथ हमेशा सर्दियों में भी गर्म रहते हैं हाँ। गर्म रहेंगे हाँ तो मेरे ना कॉलेज में भी मेरे ना हाथ पकड़ के रखते थे सब हाँ। सर्दियों में गर्म रहती है वो पहला दिन ऐसा था कि मैं हंसराज कॉलेज में गई और मैं पूरी ठंडी पड़ी हुई हूँ मैं कहाँ पर हो रही हूँ की यार अपने कॉलेज में कैसे क्या बोलूँ किस मुंह से बोलूँ बताते हुए भी अभी बताते हुए भी ऐसा लग रहा है तो हमने वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई करी वीडियोस बनाई खेले कूदे सब कुछ किया हमारी जो प्रिंसिपल थी हमारी कंप्लेंट्स भी होती थी कि वीडियोस बना रहे हैं कॉलेज में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मैंने हंसराज कॉलेज जाने से पहले अभी एज ए गेस्ट मैं दो तीन दिन पहले ना सामने से निकली थी वहाँ से और मैं व्लॉग बना रही थी कि और हंसराज कॉलेज मेरी डिग्री दे दो मेरे को ये वो <laughs> और उसी के नेक्स्ट डे वहाँ से मेरे को इन्वाइट आ गया हाँ। कि आप कॉलेज आओ और एज अ गेस्ट फ्रेशर्स पार्टी है फेस्ट नहीं था फ्रेशर्स पार्टी थी वो पूरे कॉलेज की तो वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया और एज अ गेस्ट किया फिर प्रिंसिपल मैम आई रमा मैम है वहाँ की प्रिंसिपल और वो हमारे ही डिपार्टमेंट की थी तो उन्होंने ऐसे बहुत प्यार से मिली मैंने कहा आपको मैं याद हूँ कहती हाँ याद हूँ मैं और मैं सोच रही थी मैं यार इन बच्चों को समझाऊँ क्या है ये तो अपने ही हैं सारे आ, भाई, भाई। और स्टेज पर खड़े होकर बोलो यार मस्ती करो खेल कूद करो जो मर्जी करो मैंने बोला यही बोला मैंने सेम तो रमा मैम ने मेरे को बोला कि डिग्री देनी थी मेरे को डिग्री तो हाँ, आप हाँ, पे पे हाँ। वो एक फोटो थी पर डिग्री वहां पे आ गई थी मेरी तो रमा मैम जैसे ही स्टेज पे आई उन्होंने कहा ये वाला फंक्शन इसके लिए अब छोटा हो चुका है कि इसे कॉलेज फेस्ट में बुलाएंगे और वहाँ पे डिग्री देंगे अब इसको अच्छा मैं थी। मैंने कहा मत बोर तो मैंने वहीं पे छोड़ दी और ये बहुत बहुत ही मेरे लिए अच्छी और बहुत ही प्राउड फीलिंग भी थी और कहीं ना कहीं एक होता है ना अचीवमेंट की लिस्ट में एक टिक भी था

अरे <laughs> ये वहीं बैठी वहीं बैठ के डिस्कस किया हमने और कितनी रैंडम है जिसके बारे में बता यार मतलब मैं खुद वो मेमोरी है ना वापस से याद करना चाहता हूँ मतलब कि किस किस तरीके से हम सोचते थे एक पार्क में बैठे और पार्क में बैठ के बस वहाँ स्क्रिप्टे लिख रहे हैं मतलब वहाँ पे तो ऐसा हो गया था सिटी बॉयफ्रेंड को तो बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ाते पर हाँ मेरे को ऐसे सिटी बॉयफ्रेंड

और हम देखे यार मैं मेरे को तो मैंने तो ऐसे लड़के देखे थे दिल्ली में पर हरियाणा में ऐसे लड़के नहीं देखे थे जो बिल्कुल ही तैयार हो यार ओके उस टाइम पे तो कोई इतना हाँ। फैशन में भी कोई हाँ। इतना आगे नहीं जूते लाल और पीले जूते जैकेट और ये वो सिटी बॉयफ्रेंड ऐसे ही बनेगा यही <laughs> <ये> बनेगा ऐसे <laughs> <laughs> ही सोच लिया था कि यार ऐसे बठन के आता है वो और उस टाइम पता है मतलब मुझे स्टार्टिंग से मुझे यही शौक है यार कपड़े आ, कपड़े वगैरह का हाँ। ये शौक था तो मैं उस टाइम बिल्कुल ऐसा कि हाँ बंठन के रहना और ऊपर से आप ये अभी भी रहता है नहीं रहता अभी।, अब थोड़ा सा हो गया शादी हो गई है ना इसकी आप किसको दिखा <laughs> <laughs> ऐसा तो <थो> नहीं हम <laughs> सारे पुरानी चीजें सब पुरानी याद कर ली हमने आज <laughs> भाई अब करेंगे फटाफट चिट चैट राउंड अपना जो है एक तरह से रैपिड फायर राउंड तो पहली चीज तो मैं बता दूं जो भी फिलहाल मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसको तुम्हें <laughs> 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 अरे मतलब ऐसा, ऐसा, ऐसा नहीं है छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल गेम मैंने सोचा था कुछ ऐसा करूंगा हाँ। तो पहली चीज तो जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें से एक ही चूज करना है।, हाँ। है चलो पहले वाला करते हैं

हो जाए हुँ. तो वो किसी ना किसी की दोनों में से एक की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाती हैं और ये क्या है यार टेम्पररी खुशी अपनी लोग बढ़िया रहो एक के साथ सुखी रहो दिल्ली गुड़गांव <laughs> दिल्ली अच्छा माउंटेन और बीच बीच बीच, बीच गोवा पानी पानी अच्छा अगर पहाड़ों पे भी पानी मिला तो वहां चली जाऊंगी हाँ। पर पानी पानी के पास में को पीस मिलता है क्योंकि पानी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगती है पानी की बता कैसे क्योंकि पानी की गहराई आज तक तो कोई नहीं नाप है <laughs> <laughs> क्योंकि पानी किसी भी शेप में एडजस्ट हो जाता है मुझे क्या यार बोलना चाहते हो ये ना पानी की जो सबसे क्वालिटी होती है वो ये होती है कि पानी एक अपने आप को कहीं पे भी एडजस्ट कर लेता है आ, भी मैंने भी, बोला ना जगह पे और दूसरी जो उसकी स्ट्रांग क्वालिटी होती है कि अगर आप पानी से छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो वो आपको लेके अपने समा जाएगा बहुत स्ट्रांग होता है मतलब यहां तो उसे छेड़खानी मत करो या फिर वो एडजस्टिंग मर्सिडीज या ऑल दो रेंज रोवर भी अच्छी है बट मर्सिडीज घर का खाना है बाहर का खाना घर का खाना गोलगप्पे या मोमोज मोमोज <laughs> 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 गोलगप्पे अच्छे लगते अच्छे लगते हैं पर मैंने अभी दोनों ही छोड़े हुए हैं तो कॉलेज और स्कूल स्कूल देसी बॉयफ्रेंड और सिटी बॉयफ्रेंड <laughs> अभी साथ में है सिटी आ आ <laughs> जैसे हमने पोर्ट्रे की है, तो मेरे को सिटी थोड़े समझ नहीं आते है मैं पोर्ट्रे किसी में, में नहीं कर रहा हाँ तो फिर ये बैठा है सामने तो सिटी बॉयफ्रेंड मैं तो सिटी वाला हूँ ना मगर अच्छा ठीक है <laughs> हाँ यार देसी पसंद हाँ, हो गया ऐसे यार। रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए इंसान हाँ अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उससे एक कंटेंट के हिसाब से भी अरेंज करने हैं एक से लेके चार तक हम्म कंटेंट के हिसाब से किसी भी जो तेरे को आ, सही लगे उस तरीके से अरेंज करने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है कार्स यू लव बी टोयोटा मर्सडीज पॉर्शे मर्सिडीज रेंज रोवर अच्छा बी एमडब्ल्यू में? मुझे नहीं पसंग. नहीं पसंद। या, यार बी एमडब्ल्यू बहुत लोग ले मतलब ले मतलब, मतलब ऐसा कॉमन बहुत बहुत हो गई कॉमन कर, कर दी बी एमडब्ल्यू और ऑडी बहुत कॉमन कर दी चलो कंटेंट वाइज यूट्यूबर को करना है रेट <laughs> मैंने अपने अपने ही रखे हैं हनी मनीष अवनीश एलविश बस चार रखे हैं हाँ तुम्हें कंटेंट वाइज वो करूं कैसे भी अरेंज करना हो तो बनाओ तो सही <laughs> <laughs> ओ, हाँ सही में खत्म अरेंज करना यार नहीं मैं नहीं कर रही <laughs> <उकूँ>। क्या करना <laughs> कीर्ति मेहरा ये कैसे भूल गया आ, चल इंक्लूडिंग कीर्ति मेहरा चलो नहीं मेरे को हाँ हाँ पहले बना लो पहले मैं खुद भी कंटेंट तो बना लो कुछ ओ डिप्लोमेट हो गई <laughs> <laughs> अच्छा ब्लॉगर्स हाँ। आ, फिर से पांच जोशी विकास दयाल फ्लाइंग बीस्ट यू के जीरो सेवन और एलविश आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन नहीं यार बताना पड़ेगा यार पॉडकास्ट हमने मैं दोबारा पूरी लाइन बोल देती हूँ आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन

हमने, की थी मेरा, हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने <laughs> की uh, हाँ, चल अब मेरे बारे में बता दे कि आपको सेटअप कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आपको हमारे साथ में बैठ के शर्मा जी की बैठक में बैठ के पहले जब मेरे को ऐसा पॉडकास्ट का अच्छा इसने बताया था मैं कुछ सोच रहा हूँ तो पहले तो बता नहीं रहा था मैंने कहा यार बता दे अपने में तो क्या है क्योंकि मैंने भी इसको सलों का बता दिया था तो मैंने इसको बोला इसने बोला पॉडकास्ट करो तो मेरे दिमाग में ना एकदम से क्लिक नहीं हुआ था कि पॉडकास्ट ही तो है चलो सारे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं पर जैसे ही इसने मुझे नाम बताया शर्मा जी की बैठक मैंने कहा ये अब इस पर प्लस पॉइंट ले गया ये ये इसका एक अलग ये होता है ना यू शर्मा जी की बैठक वो बहुत अच्छा नाम था फिर इसने मुझे ना वीडियो दिखाई अपने सेटअप की तो मैंने कहा ये सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा है फिर मेरे को क्लिक होना शुरू हुआ मैंने कहा ये बहुत अच्छा है और अगर ये कर रहा है तो ये इसको और अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है क्योंकि प्रोडक्शन में और कलर ग्रेडिंग में एडिटिंग में डायरेक्शन में अगर आपको पता हो पहले से अगर आप जानते हो तो आपको पता है धनि शर्मा जो है वो कॉन्टेंट वाइज बेस्ट क्वालिटी देता है ऑल बीच बीच में डीमोटिवेट हो जाता है तो कमेंट करके इसको हमेशा मोटिवेट करते रहा करो चाहे ब्लॉग्स करे या वीडियोस अपलोड ना करे तो इसको याद दिलाते रहा करो इसको कुछ नहीं चाहिए इसको सिर्फ ये चाहिए कि इसको मोटिवेशन मिलती रहे हाँ काम में और इसको कुछ।, कुछ नहीं चाहिए जितना मैं इसको जानती हूँ तो प्रोडक्शन वाइज हर चीज़ में ये अपना बेस्ट देता है मैं भी अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो एक एक बारीकी से ना एक एक चीज़ें इसने देखी और मैं बोल रही है छोड़ करना हम बैठे हैं क्या नहीं पूरा सेटअप पहले देखा है एक एक चीज़ है देखी है तो फुल सपोर्ट करना हन्नी को थोड़ा Thanks. खुश हो गया लाइक कॉमेंट शेयर और हमेशा अगर आपको लगे ना कि ये वीडियो नहीं बना रहा है या वीडियो लेट हो रही है प्लीज इसे मोटिवेट किया करो क्योंकि इसको लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है या कोई मांग ही नहीं रहा है तो इसको सिर्फ वो एक कमेंट चाहिए होता है वो इसको कर दिया करो थैंक्स बस यही एक मोटिवेशन चाहिए तो जितना हो सके उतना ज्यादा वोट वोट करना मेरे को नीचे ना कॉमेंट सपोर्ट तो थैंक यू सो मच कीर्ति हमारे पॉडकास्ट में हमारी बैठक में आने के लिए और बहुत मज़ा आया भाई जो भी आपको करना है अब आपके आप, आपकी हुई ये वीडियो जैसा भी है जो भी है थैंक यू सो मच लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना शर्मा जी की बैठक हन्नी शर्मा व्लॉग एंड कीर्ति मुझे लगा हन्नी शर्मा आप बोलते हैं चलो ठीक है थैंक यू सो मच गाइस